समझ रहा हूँ ये भी देश को ये दिन भी देखना था। आज लगभग आधे राज्यों के अंदर विपक्ष की सरकारें हैं और आधे राज्यों के अंदर उन लोगों की सरकारें हैं। जो विपक्ष की सरकारें हैं आधे राज्यों के अंदर, तो लगभग 70 करोड़ लोगों को ये विपक्ष की सरकारें रिप्रेजेंट करती हैं। 70 करोड़ लोगों को, आधे देश को। और इस वक्त ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने विपक्ष की सरकारों के खिलाफ युद्ध छेड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि जंग छेड़ी हुई है, लड़ाई छेड़ी हुई है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का रखा है हम लोगों के साथ। हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या आप इन 70 करोड़ लोगों को अपना नहीं मानते? क्या आप केरला के लोगों को अपना नहीं मानते? क्या आप तमिलनाडु के लोगों को अपना नहीं मानते? क्या आप कर्नाटका के, दिल्ली के, पंजाब के, वेस्ट बंगाल के लोगों को अपना नहीं मानते? क्या ये सारे पराए हैं? क्या ये भारत के नागरिक नहीं हैं? यहां के 70 करोड़ लोगों ने विपक्ष के लोगों को चुन के सरकार बनाई। संविधान के अंदर लिखा है कि इन सरकारों की क्या पावर है। शिक्षा की पावर राज्य सरकारों की, स्वास्थ्य की पावर राज्य सरकारों के, संविधान के अंदर लिखा है कि क्या क्या पावर है। आप हमें अपना काम ही नहीं करने देते। सारी विपक्ष की सरकारों को तरह तरह से प्रताड़ित करने के लिए आज केंद्र सरकार सारे हथकंडे अपना रही है। मोटे मोटे तौर पे देखें तो तीन तरह से केंद्र सरकार विपक्ष की सरकारों को तंग कर रही है। सबसे पहला, केंद्र सरकार जायज फंड, जो हक है राज्यों का, वो फंड नहीं दे रही है। दूसरा तरीका, गवर्नर के और लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए रोज काम में टांगड़ आती है, हर काम में टांगड़ आती है। और तीसरा तरीका, एजेंसीज को छोड़ के जिसको मर्जी पकड़ के जेल में डाले जा रहे हैं, जिसको मर्जी पकड़ के जेल में डाले जा रहे हैं। सबसे पहले मैं पहले तरीके पे आता हूं। यहां पे पिनरई विजयन साहब बैठे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री बैठे हैं, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री और कई सारे राज्यों के मंत्री गण आए हुए हैं। हम सारे रोज इस बात को झेल रहे हैं कि जो जायज फंड उस राज्य के बनते हैं वो फंड हमें नहीं दिए जा रहे। अगर केरला के लोगों को उनके हक के फंड नहीं दिए जाएंगे तो काम कैसे चलेगा? सरकार कैसे चलेगी? केरला की सरकार कैसे चलेगी? तमिलनाडु की सरकार कैसे चलेगी? और हम यहां भीख मांगने नहीं आए। विजयन साहब यहां पे अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए पैसे मांगने नहीं आए, अपने बच्चों के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए पैसे मांगने नहीं आए, वो केरला के लोगों के लिए पैसे मांगने आए हैं। आज पंजाब के मुख्यमंत्री यहां अपने 3 करोड़ लोगों के लिए फंड मांगने के लिए आए हैं। मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का हक मांगने के लिए आया हूं। संविधान में लिखा है कि कितना पैसा किस सरकार को मिलेगा। ये वाला टैक्स आएगा, मैं इनकम टैक्स में था, ये थोड़ा सा ज्यादा जानता हूं इसको। तो कितना फंड, कौन सी सरकार कितना फंड इस्तेमाल करेगी, कैसे इस्तेमाल करेगी, फाइनेंस कमीशन होगा, फाइनेंस कमीशन तय करेगा, ये पैसा केंद्र के पास जाएगा, ये पैसा राज्य सरकार। अरे जो हमारा हक है, हमारा नहीं, लोगों का हक है, केरला के लोगों का हक है, तमिलनाडु के लोगों का हक है, वेस्ट बंगाल के, पंजाब के, दिल्ली के लोगों का हक है, वो हक आप कैसे छीन सकते हैं लोगों का? आप उनका काम कैसे रोक सकते हैं? अगर आप हमारे लोगों के पैसे नहीं देंगे तो हम सड़कें कैसे बनाएंगे, बिजली कैसे देंगे, लोगों का विकास कैसे करेंगे? मैं भी एक दो बैनर देख रहा था, उसमें लिखा था कि केरला के 8400 करोड़ रुपए रोके हुए हैं। और मान साहब से मैं थोड़े दिन पहले बात कर रहा था, पंजाब के भी 8000 करोड़ से ज्यादा फंड रोके हुए हैं। अब एक एक फंड, अभी पंजाब सरकार थोड़े दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में गई कि हमारा पैसा रिलीज नहीं कर रहे, आरडीएफ का पैसा, आरडीएफ लगभग 4-5 हजार करोड़ बनता है, 5500 करोड़ रुपया आरडीएफ का, रूरल डेवलपमेंट फंड का पैसा इस्तेमाल रिलीज नहीं कर रहे। केरल भी गया। सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग अब अगले हफ्ते फिक्स हुई है और तुरंत केंद्र सरकार से फोन आ गया, आइए बैठ के बात करते हैं।
तो हम छोटी छोटी बातों के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्या? ये क्या बदतमीजी है? आप अपना काम क्यों नहीं करते? हम हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास और भी तो बहुत काम है। सुप्रीम कोर्ट भरा हुआ है केसेस से, जनता के केसेस से। हम अपने फंड लेने के लिए भी, हमें फंड लेने के लिए जंतर मंतर पे आके बैठना पड़ेगा। आप लोगों को जान के ताज्जुब होगा, दिल्ली के लोग मिलके साल में 2,00,000 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स देते हैं, 2,00,000 करोड़। और उस 2,00,000 करोड़ में से बदले में दिल्ली के लिए हमें कितना पैसा मिलता है, गेस कर सकते हैं आप लोग? 2,00,000 करोड़ रुपए हम केंद्र सरकार को देते हैं दिल्ली के लोग मिलके इनकम टैक्स में, और उस 2,00,000 करोड़ में से दिल्ली के लोगों को एक साल में 325 करोड़ रुपए मिलते हैं। इतना तो अंग्रेजों ने भी नहीं लूटा होगा 100 साल में, जितना ये लोग लूट रहे हैं। ये तो हद हो गई है। तो कपिल सिब्बल साहब का स्वागत है। दूसरी चीज, गवर्नर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के जरिए ये जिस तरह से सरकारों को तंग कर रहे हैं, संविधान के अंदर साफ साफ लिखा है कि ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं। उन सब्जेक्ट्स के अंदर भी रोज गवर्नर हर राज्य के अंदर टांग अड़ा रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग तो अभी पंजाब के अंदर हुआ। पिछले साल पंजाब सरकार ने बजट सेशन, अपनी असेंबली का बजट सेशन कॉल करने के लिए गवर्नर के पास फाइल भेजी। गवर्नर ने बजट सेशन करने की परमिशन नहीं दी। सोचिए, एक चुनी हुई सरकार, फुल स्टेट, उसका मुख्यमंत्री उसकी कैबिनेट प्रस्ताव पारित करके कहती है कि हम फलानी तारीख से बजट सेशन बुलाएंगे और उसमें राज्य का अगले साल का बजट पास करेंगे। गवर्नर ने बजट सेशन की भी परमिशन नहीं दी। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर को खूब लताड़ा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनको लताड़ का गाली गलौज का, इनको सुप्रीम कोर्ट रोज लताड़ता है इन लोगों को, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इस तरह से दिल्ली के अंदर तो आप सब लोग देख ही रहे हैं कि हर काम के अंदर किस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर हर काम के अंदर, छोटे से छोटे काम के अंदर टांग अड़ा रहे हैं। और तीसरा तरीका है ईडी। यह अब इनका एक नया हथियार आ गया ईडी। अभी तक इस देश के अंदर यह कानून होता था कि अगर आपने कोई क्राइम किया तो उसकी जांच होती थी, फिर उसमें मुकदमा चलता था। मुकदमे में तय होता था कि कौन कौन दोषी है, कौन कौन निर्दोष है। जो दोषी है उसको सजा मिलती थी, वो जेल जाता था। मुकदमे के बाद, मुकदमा खत्म होने के बाद आदमी जेल जाता था जिसको दोषी माना जाता था। अब तय कर लेते हैं कि इसको जेल भेजना है, तो उसको पकड़ लेते हैं, उसको जेल में डाल देते हैं, फिर सोचते हैं अब इस पे क्या मुकदमा करें, इस पे क्या केस बनाएं, फिर ये केस बनाते हैं। और केस बनाने के बाद फिर वो तब तक जेल में रहता है जब तक कि मुकदमा पूरा ना हो जाए और वो निर्दोष साबित ना हो जाए। हमारे देश के अंदर 15-15 साल लग जाते हैं मुकदमे पूरे होने में। तो 15-15 साल किसी को भी पकड़ के जेल, यह भी पीएमएलए जो कानून लेके आए उसमें ही लिखा है कि जब तक उस आदमी को, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो और जब तक उस आदमी का मुकदमा पूरा नहीं हो जाता, वो निर्दोष साबित नहीं हो जाता, तब तक वो जेल से बाहर नहीं आएगा। ये तो बहुत खतरनाक है। अभी हेमंत सोरेन साहब को इन्होंने जेल में डाल दिया, अभी तक उनके ऊपर कुछ भी साबित नहीं हुआ है, अभी उनके ऊपर मुकदमा नहीं चला है, अभी मुकदमा शुरू भी नहीं हुआ है, अभी जांच चल रही है। लेकिन अगर मुकदमे को 15 साल लगे तो हेमंत सोरेन साहब 15 साल जेल में रहेंगे। और ये तो किसी को भी कर दें, कल मुझे पकड़ के जेल में डाल देंगे, विजयन साहब को पकड़ के जेल में डाल देंगे, स्टेलिन साहब को पकड़ के जेल में डाल देंगे, सीतारामैया साहब को पकड़ के जेल में डाल देंगे, सुखविंदर जी को, किसी भी को भी पकड़ के जेल में डाल देंगे और सरकार गिरा देंगे। हेमंत सोरेन साहब को जेल में डाला, उसके बाद 48 घंटे तक ये लोग तोड़ने की कोशिश करते रहे, जेएमएम को तोड़ देते हैं। ये तो भगवान का भला, और जेएमएम वालों का महान है, जेएमएम वाले जो टूटे नहीं इनके सामने। तो ये अब ये किसी भी को भी पकड़ के जेल में डाल देंगे, उसकी सरकार तोड़ देंगे और फिर अपनी सरकार बना लेंगे। ये क्या है, ये क्या चल रहा है? कह रहे हैं केजरीवाल भ्रष्ट है। मैं पूछना चाहता हूं, मैंने दिल्ली में बिजली सस्ती, बिजली फ्री कर दी दिल्ली के अंदर,
मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली मिल रही है देश में। तो बिजली फ्री करने वाला चोर है कि बिजली महंगी करने वाला चोर है? दिल्ली में मैंने सबका इलाज मुफ्त कर दिया, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सरकारी अस्पताल में चले जाओ सबका दवा दारू सब फ्री। मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में चले जाओ, इतना महंगा इलाज सरकारी अस्पतालों का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों को। मैं पूछ रहा हूँ, लोगों का इलाज फ्री करने वाला चोर है कि लोगों का इलाज महंगा करने वाला चोर है? किसी को भी पकड़ के चोर 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 चिल्लाना चालू कर देते हैं लोग। तो दोस्तों, देश का बहुत बुरा हाल है। मैं विजयन साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, उन्होंने आज ये अलख जगाई है, सबको इकट्ठा किया है। ये देश केवल हमारा नहीं है, ये देश 140 करोड़ लोगों का है। और आज मैं बीजेपी वालों को कहना भी चाहता हूँ, समय का चक्र घूमता है, समय बड़ा बलवान है, अहंकार मत करो। भगवान ना करे कल समय का चक्र जब घूमेगा और तुम इधर होगे और हम उधर होएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि यही कानून तुमको खाने के लिए दौड़े उसके बाद। जय हिंद।